प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के नसरुल्लागंज ब्लॉक के आदिवासी गांव चलकदी में आयोजित असंगठित मजदूर और तेंदुपत्ता संग्राहकों को जिला स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। जिला लघु वनोपज संघ द्वारा आयोजित इस सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 करोड़ के आईटीआई भवन, 95 लाख का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 80 लाख की राशि से बने ग्रामीण खेल परिसर का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया। सम्मेलन में सीएम ने जिले की 15 वन समितियों के 14,858 तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2,92,00,000 के प्राशिक का वितरण किया। जो संवेदना समारोह हुआ है, मेरे यहाँ से मैंने बेटियाँ जो तेंदुपत्ता तोड़ती है या महुए का फूल बीनती है, ऐसे भाई उनके पाँव में हमने फैसला किया। कई बार जूते चप्पल नहीं होते तो जूते चप्पल पहनाएंगे। पीने के लिए पानी चाहिए तो शुद्ध पीने का पानी मिले इससे पानी की टिप्पी देंगे। बहन को साड़ी भी देंगे, ये फैसला हमने किया था और ये वितरण का काम अब प्रारंभ हुआ है। एक बहुत मानवीय कार्यक्रम है, उनके पाँव में जूता या चप्पल ना हो, कांटा और पत्थर भी तकलीफ देते हैं, इसलिए चरण पादुका कार्यक्रम आज चकलदी में संपन्न किया है। गरीब कल्याण के लिए मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर कल्याण योजना के अभी काम चल रहा है। दुनिया सबकी है, धरती सबकी है, नदियाँ सबकी है, पर्वत सबके, खदानें सबकी है, लेकिन कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, और ये अमीरी गरीबी की खाई